अभी सुबह के 8:35 हुई है तब हम ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अभी का टेम्परेचर 27 है। हेलो गाइस, सफर एक और नए सफर पर आज फुल पावर के साथ फुल एनर्जी के साथ एक और नया ब्लॉग लेकर आए। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बने रहिए, आपको खूब मजा आएगा, खूब एंजॉय करोगे। तो चलते हैं, सबसे पहले पूजा करते हैं, फिर चाय नाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं आगे की ओर। तो आज नाश्ते में ब्रेड बटर और चाय बनी है, नाश्ता करते हैं फिर आगे की ओर निकलते हैं। तो यहाँ पर हमने सामान भी पैक कर लिया और ब्लॉग बनाने के लिए ट्रैपोर भी ले लिया। घर से निकलने से पहले मम्मी ने टीका भी कर दिया। तो चलते हैं आगे की ओर। तो फाइनली क्रिस लोग भी आ गए, मनीष भाई भी आ गए गाड़ी लेके, और ऑटो भी आ गई हमारी आज। तो फाइनली हम लोग घर से निकल चुके हैं। तो आज हम लोग फैमिली के साथ जडन बनाए, जो बड़ौदा से 90 किलोमीटर है वो तो पावागढ़ से 30 किलोमीटर है। तो चलते हैं ब्लॉग के थ्रू, आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम लोग मंदिर के लिए प्रसाद लेने के लिए आए। फाइनली हम लोगों ने मंदिर के लिए प्रसाद भी ले लिया। फाइनली हम लोग हाईवे पे आ गए और हम लोगों ने टोल प्लाजा भी पार कर लिया। तो आधे लोग इको गाड़ी में गए और हम लोग ऑटो में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ट्रैफिक में फंस गए, आप लोग देख सकते हो ब्लॉक के अंदर। फाइनली हम लोग पावागढ़ पहुंच गए। तो आप लोग देख सकते हो बारिश का मौसम हो रहा है और पहाड़ पे बादल हो रहे हैं। और चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही है बरसात के मौसम के लिए। तो अभी हम लोग विरासत वन पे पहुंचे। फाइनली हम लोग शिवराजपुर पहुंच गए। तो ये शिवराजपुर का बाजार है। फाइनली हम लोग शिवराजपुर पहुंच गए। तो यहाँ से हम लोग सीधे ही जाने वाले हैं, और यहाँ से लेफ्ट टर्न मार लोगे तो अतनी माता चले जाओगे। यहाँ पे हमने ब्रेक लिया समोसे खाने के लिए।
तो जड़ हनुमान के पास जो घर है वहीं पर हम लोग आए। यहाँ के घर आप लोगों को दिखाते हैं। और पीछे इनका खेत है। तो ये भैया है जो पान का पत्ता तोड़ के टैलेंट दिखा रहे। और जड़ हनुमान आते हो तो रास्ते में ऐसी सारी दुकान आती है, इनसे आप लोग कुछ ना कुछ लिया करो। यहाँ पर हमने ब्रेक लिया होटल पे चाय और पकोड़े खाने के लिए, तो यहाँ पर हमारे चाय और पकोड़े तैयार हुए। तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पर हमारी चाय तैयार हो रही है, यहाँ पर हमारे पकोड़े तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पकोड़े भी तैयार होकर आ गए। पहाड़ से बहता हुआ पानी आ रहा है तो हम लोग यहाँ पर आए। यहाँ पे हनुमान जी की रैली निकली है, आप लोग देख सकते हो। तो इस बार हम लोग जड़ हनुमान इको गाड़ी में और ऑटो में आए। तो ये ऑटो वाले अंकल है जो हमें लेके जड़ हनुमान आए। फाइनली हम लोगों ने चाय नाश्ता भी कर लिया, अब यहाँ से हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं जड़ हनुमान। यहाँ पर हम लोग ट्रैफिक में फंस गए, लोगों ने रास्ते के बीच में गाड़ियां पार्क करके रखी है, इसीलिए ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पर। तो आप लोग देख सकते हो संडे के दिन मंदिर के अंदर कितनी भीड़ है, यहाँ पे गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। लोग जड़ हनुमान आते हो तो रास्ते के बीच में गाड़ी पार्क ना करें, क्योंकि आने जाने वालों को दिक्कत होती है। तो फाइनली हम लोग जड़ हनुमान पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम लोग जड़ हनुमान हनुमान जी के मंदिर भी पहुंच गए। तो सामने मंदिर है, मंदिर के बाहर प्रसाद की भी दुकान है जहाँ से आप लोग मंदिर के लिए प्रसाद भी ले सकते हो। फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए, तो चलते हैं दर्शन करने के लिए और आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। हम लोगों ने तेल भी चढ़ा दिया, तो चलते आगे की ओर। ये वो जगह है जहाँ पर मंदिर के लिए नारे चढ़ाते हैं। और मंदिर के नीचे का व्यू आप लोगों को दिखाता हूँ। तो फाइनली हम लोगों ने मंदिर के अंदर दर्शन भी कर लिए, अब हम लोग जा रहे हैं भीम की घंटी देखने के लिए। यहाँ पर मंदिर के बाहर बाजार भी लगता है जहाँ से आप लोग शॉपिंग भी कर सकते हो। यहाँ पर मंदिर के बाहर खाने पीने की दुकान है जहाँ से आप लोग खाना पीना भी खा सकते हो, नाश्ता भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग नींबू पानी पीने के लिए रुके हैं। तो यहाँ पर हम सारे लोग नींबू पानी पी रहे हैं। फाइनली हम लोगों ने नींबू पानी भी पी लिया। भीम की घंटी की तरफ जाने का रास्ता है, तो चलते भीम की घंटी की तरफ। तो मैं आपको ऐसे नाश्ते की दुकान देखने के लिए मिलेगी जहां से आप लोग नाश्ता भी कर सकते हो।
तो ये रास्ता भीम की घंटी की तरफ जा रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं कच्चा रास्ता है, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग का फेल होगा। पर मंदिर के बाहर लोगों ने मकान भी बना के रखे ताकि उनकी मन्नत पूरी हो, और बरसात के मौसम में चारों तरफ ग्रीनरी है। मैं आपको डस्टबिन देखने के लिए मिलेगी जहां पर आप लोग कचरा भी डाल सकते हो। फाइनली हम लोग भीम की घंटी पे भी पहुंच गए, तो मेरे पीछे भीम की घंटी है, तो आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है पांडवों ने जब वनवास किया था तो भीम ने इसी घंटी से अनाज को पीसा था। यहाँ पर पुराने जमाने की मूर्तियां भी है, भीम की घंटी से आप लोगों को पूरा व्यू दिखाता हूँ। जहां पर भीम की घंटी है उसके पीछे पूरा जंगल है। फाइनली हम लोगों ने भीम की घंटी के भी आप लोगों को दर्शन करवा दिए। जब द्रौपदी को प्यास लगी थी और अर्जुन ने जहाँ पे तीर मारा था उस जगह पर आप लोगों को लेके चल गए। पांडवों का वनवास चल रहा था और द्रौपदी को प्यास लगती है तो अर्जुन इसी कुएं में से तीर मारकर पानी निकालते हैं। यहाँ का पूरा व्यू दिखाता हूं आप लोगों को। और मंदिर के बाहर आराम से बैठने के लिए कुर्सियां भी है जहां पर आप लोग आराम से बैठ भी सकते हो। तो मंदिर के बाहर पीने के पानी की भी फैसिलिटी है। तो फाइनली हम लोगों ने मंदिर के अंदर दर्शन भी कर लिए और यहाँ पर हम लोग बैठे हैं मंदिर के बाहर। मंदिर के अंदर दर्शन भी कर लिए, अब हम लोग होटल में खाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर हमने खाने का भी ऑर्डर दे दिया है तो यहाँ पर हमारा खाना भी तैयार हो रहा है। तो होटल पर हमारा खाना तैयार हो रहा है, तब तक हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम लोग होटल के पीछे जहाँ पे पानी का झरना बह रहा है उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पानी का झरना भी बह रहा है। तो गाइस हम लोग वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, तो आपको ये रास्ता दिख रहा होगा जो पूरा ट्रेकिंग का फील कराएगा। यहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी है और बीच में से पानी बह रहा है।
फाइनली जहाँ पर वॉटरफॉल हो रहा है वहीं पर हम लोग पहुंच गए। और यहाँ पर पत्थरों के पहाड़ के बीच में से पानी आ रहा है जो यहाँ की सुंदरता शोभा बढ़ाता है। यहाँ के व्यू और लोकेशन बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको ब्लॉग के थ्रू दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग टेबल पे बैठ के भी खा सकते हो, खाट पे बैठ के भी खा सकते हो और नीचे भी बैठ के खा सकते हो। जो आपको पसंद है वहाँ पर आप लोग बैठ के खा सकते हो, तो आप लोग खाते खाते व्यू को भी एंजॉय कर सकते हो। तो सामने की तरफ पहाड़ है और यहाँ पे रास्ता है और पीछे की तरफ खेत है। यहाँ पर हमने लोगों को देने के लिए साड़ियाँ ली है। अपनों के लिए तो हर कोई करता, लेकिन दूसरे के लिए करने में जो खुशी मिलती है ना, वो अलग लेवल की होती है। तो आप भी करके देखिए, आपको भी खुशी मिलेगी। आज हमारे साथ क्रिस आया और गौरव आया। तो गौरव, क्रिस कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर? सो ये प्लेस बहुत बढ़िया है यार, नेचर वाला फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा, वो भी बहुत बढ़िया है। तो आपको आपके फ्रेंड के साथ वीकेंड करनी है, आना है, तो आप आ सकते हो, फैमिली के साथ भी आ सकते हो। तो बहुत बढ़िया प्लेस है और यहाँ आप आओ तो यहाँ आप बैठ के खाना भी खा सकते हो। हमारा फर्स्ट वाला एक्सपीरियंस था, बहुत बढ़िया गया है, अब आप उनसे पूछ सकते हो। तो क्रिस कैसा लगा? खूब मजा आ रहा है, खूब एंजॉय कर रहे हैं, आप भी आपको भी खूब मजा आएगा, खूब एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर हमने सेव टमाटर, मकई की रोटी और चटनी और प्याज है खाने में। फाइनली हम लोगों ने खाना भी खा लिया और चाय भी पी ली और घर की ओर हम लोग निकल भी लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने चाय पीने के लिए ब्रेक लिया होटल के अंदर। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहीं पर सफर अपना सफर खत्म करता है। नेक्स्ट सफर के लिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।